Hey there, welcome to another episode of Coding with Codecat15. This is Ravi. In today's session, mein we are going to understand optional protocol and protocol extension. Now, before we begin with this video, I would like to request that if you like the work that I'm doing, if you're learning something from my videos, then please do subscribe and share this channel with your iOS group. That being said, let's begin our today's session. आज के सेशन में आई विल एक्सप्लेन वट आर ऑप्शनल प्रोटोकॉल एंड वट अ प्रोटोकॉल एक्सटेंशन सॉल्व वीडियो के एंड में आई विल ऑल्सो गिव माई ओपिनियन ऑन ऑप्शनल प्रोटोकॉल एंड डज इट मेक सेंस टू यूज दम इन योर प्रोजेक्ट इफ यू आर न्यू टू प्रोटोकॉल या फिर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मेरे प्रोटोकॉल की प्लेलिस्ट को चेक कर लें एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो प्रोटोकॉल प्लेलिस्ट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हुआसो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूजनर्स इन आईओएस प्रोग्रामिंग वी ऑल नो दैट जब भी हम प्रोटोकॉल को किसी क्लास या स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें प्रोटोकॉल के सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना पड़ता है एज यू कैन सी इन दिस केस आई हैव अ प्रोटोकॉल नेम शेप विच हैजन सिंगल फंक्शन कॉल्ड कैल्कुलेट एरिया जो रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है इट हैज इंप्लीमेंटेड द शेप प्रोटोकॉल एंड एट दी एंड यू कैन सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल फंक्शन कैलकुलेट एरिया और अगर हमने प्रोटोकॉल के सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो स्विफ्ट कंपाइलर विल नॉट लाइक इट एंड गिव अ कंपाइल टाइम एरर एज यू कैन सी इन दिस इमेज सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल फंक्शंस डिक्लेर इन प्रोटोकॉल आर रिक्वायर्ड बाई डिफॉल्ट यानी आपको उन सारे फंक्शंस को हर हाल में आपके स्ट्रक्चर या क्लास में इंप्लीमेंट करना है बट वट इफ मेरे प्रोटोकॉल में एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना है एंड दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल यूज केस बिकॉज अगर आप यू आई टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट कर चुके हो तो यूनो की यू आई टेबल व्यू का जो डेलीगेट और डेटा सोर्स प्रोटोकॉल है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं बट हम उन सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते एग्जाम्पल यू आई टेबल व्यू डेटा सोर्स प्रोटोकॉल का एक फंक्शन है नंबर ऑफ सेक्शंस उसे आप हर बार इम्प्लीमेंट नहीं करते आप उसे तभी इम्प्लीमेंट करते हो जब आपको आपके टेबल में मल्टीपल सेक्शंस चाहिए होते हैं

नाउ लेट स्विच टू एक्स कोड एंड क्रिएट एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल सो ओवर हीर मेरे पास एक टैक्सेबल नाम का प्रोटोकॉल है विच इज़ हैविंग टू फंक्शंस दैट इज कैलकुलेट टैक्स एंड प्रिंट एक्स इन फॉर्म ये जो टैक्सेबल प्रोटोकॉल है आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस इनसाइड ए स्ट्रक्चर नेम्ड इन वॉइस एंड ओवर हीर आप देख सकते हो कि मैंने इन दोनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है एंड आई हैव जस्ट मैंशन डीपक प्रिंट ओवर हीयर अब इन दोनों फंक्शन में से हमें ऑप्शनल किस फंक्शन को मार्क करना है उसके लिए एक डिस्कशन कर लेते हैं वी वुड डेफिनेटली नीड द कैलकुलेट टैक्स फंक्शन बट जो प्रिंट टैक्स इन्फो फंक्शन है इट्स अ गुड टू हैव फंक्शन बट रियली इट्स नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज जब आप फाइनल इन्वॉइस प्रिंट करते हो तो उसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन भी होता है सो so, अलग से सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड सो जब आप आपके प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहे हो तब आपको ऐसे सवाल खुद से पूछने चाहिए कि क्या ये फंक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं सो दैट यू कैन मेक बेटर डिसीजन्स कि आपको कौन से प्रोटोकॉल फंक्शन को ऑप्शनल मार्क करना है

एट द रेट ओ बी जे सी एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा एंड नाउ वेन यू डू दैट यूर गेटिंग टू एरर्स एक्चुअली ये एरर तो सॉल्व हुआ ही नहीं है बट यहाँ पर एक और एरर आ चुका है सो लेटस रिजोल्व दिस एरर फर्स्ट एंड देन वी कैन स्विच ओवर हीयर यहाँ का जो एरर मैसेज है वो चेंज हो चुका है सो लेटे सी वॉट दैट इज ऑप्शनल रिक्वायरमेंट आर एंड ऑब्जेक्टिव सी कंपेटेबिलिटी फीचर एड एट द रेट ओ बी जे सी यानी कि अगर मुझे प्रिंट टैक्स इन्फो फंक्शन को ऑप्शनल बनाना है तो अब मुझे यहाँ पर एट द रेट ऑब्जेक्टिव सी एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा सो दिस टेक्स केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरर मैसेज दैट वी वीर गेटिंग नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर एरर मैसेज नॉन क्लास टाइप इन वॉइस कैन नॉट कन्फर्म टू क्लास प्रोटोकॉल टैक्सेबल सो नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम एंड दिस इज बिकॉज जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है उन्हें आप सिर्फ क्लास टाइप पे ही इंप्लीमेंट कर सकते हो उन्हें आप स्ट्रक्चर्स यानी वैल्यू टाइप पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बिकॉज Many interviewers do ask this question, so let me go ahead and replace this structure with a class. And now, when you delete this function that is print tax info, you can see we are not getting any error. So let me quickly go ahead and create the object of the class invoice. Let object of class is equals to invoice. or here, if I object of class calculate tax call, so you can see calculate invoice tax is being printed. बट नाउ लेट्स सी वॉट हैपन्स वेन आई डू समथिंग लाइक दिस सो ओवर हियर वी आर गेटिंग एन एरर विच इज वैलड क्योंकि प्रिंटैक्स इन्फो नाम का कोई फंक्शन हमारे इन वॉइस क्लास में है ही नहीं एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो यू विल सी दैट इट अपियर्स एज एन ऑप्शनल फंक्शन जस्ट लाइक एनी ऑप्शनल वेरिएबल सो दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि ये जो फंक्शन है ये ऑप्शनल है एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट इट्स इम्प्लीमेंटेड इन साइड योर क्लास सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शनल प्रोटोकॉल अगर आपके प्रोटोकॉल में कोई ऐसा मेथड है विच इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड बट गुड टू हैव तो आप उसे ऑप्शनल मार्क कर सकते हो बट ही इज माई ओपिनियन ऑन दिस प्रोटोकॉल में यू शुड अवॉइड यूजिंग ऑप्शनल फंक्शंस जस्ट बिकॉज अगर आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करने वाले तो इट मेक्स नो सेंस टू डिक्लेयर इट यहाँ मैंने बस प्रिंट फंक्शन को डिक्लेयर करके रखा है एंड आई एम नॉट इवन यूजिंग इट तो परैप्स इफ आई एम नॉट यूजिंग इट देन आई शुड जस्ट डिलीट इट यहां ऑप्शनल प्रोटोकॉल का रिस्ट्रिक्शंस ये भी है कि आई एम यूजिंग दी एट द रेट ओ बीजेसी एट्रीब्यूट एंड दिस मीन्स ऑब्जेक्टिव सी एंड ऑब्जेक्टिव सी मीन्स हम सिर्फ रेफरेंस टाइप यानी क्लासेस के साथ ही वर्क कर सकते हैं एंड नॉट वैल्यू टाइप्स एंड वी ऑल नो स्विफ्ट में वैल्यू टाइप्स आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू रेफरेंस टाइप तो डेफिनेटली यूजिंग दी एट द रेट ओ बीजेसी एट्रीब्यूट हैज इम्पोज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू टाइप्स इन स्विफ्ट द सेकेंड ड्रॉबैक हियर इज जब मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो इट्स गिविंग मी एरर एज यू कैन सी नाउ ऑब्वियसली मैंने प्रिंट को इंप्लीमेंट नहीं किया है बट सिंस इन वॉइस इंप्लीमेंट्स द टैक्सेबल प्रोटोकॉल तो आई कैन इजीली एक्सेस दिस फंक्शन विच आई डोंट लाइक एस अ डेवलपर बिकॉज अगर मैंने ये फंक्शन इंप्लीमेंट ही नहीं किया है तो आई शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस सो दीज आर टू रिस्ट्रिक्शंस विच आई कैन सी वाइल यूजिंग द ऑप्शनल प्रोटोकॉल सो आई थिंक नाउ द क्वेश्चन मस्ट बी रवि इन रिस्ट्रिक्शंस का सोल्यूशन क्या है द बेटर वे टू रिजॉल्व दिस इज नॉट टू हैव ऑब्जेक्टिव सी एट्रीब्यूट एट ऑल बिकॉज Yes, optional protocol are good to have. But then as you have seen, print ke case, mein, we are getting compile time error and restrictions on using value types in Swift. Now there is a way to overcome this restrictions by using protocol extensions in Swift and implementing that is very easy. Just normal extensions create extensions, The syntax to create protocol extension is also the same. So let's go ahead and update our code to use protocol extensions. So first let me get rid of this. And now, the Objective-C attribute use ki hum We'll just go ahead and delete this. I'll get rid of this. And now, I'll create an extension. Taxable. And here, I'll write function print tax info. And over here, I'll say debug print tax info. Or let me just get rid of this. Print tax info. And I can get rid of this function. or here, now I can do something like this: obj class dot print tax info. Now, when I run this, you can see print tax info is printed. So the beauty of this is I can use this with class and also with structures. So now with protocol extension, I class or structure dono with this protocol co implement. Kar sakta आई हैव अ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंट एंड नाउ कॉलिंग द प्रिंट फंक्शन विल नॉट कॉस एनी कंपाइल टाइम एरर अब एक सवाल यहाँ ये हो सकता है कि क्या हर प्रोटोकॉल में ऑप्शनल प्रोटोकॉल फंक्शन का होना जरूरी है आई वुड से नो टू दैट बिकॉज मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट बहुत ही स्पेसिफिक होती है एंड लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट वी कैन ईजिली गेस कि आपके प्रोटोकॉल में कौन से फंक्शन रिक्वायर्ड होने चाहिए ऑप्शनल प्रोटोकॉल का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि यू कैन एड फंक्शन्स विच आर गुड टू हैव